करियर क्राफ्ट कंसल्टंट्स अने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी अंगे नॉलेज सेमिनार योजायो छे। मां कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ना प्रतिनिधि वड़ा तरंग चौधरी हाजर रहा हता। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ना प्रतिनिधि तरंग चौधरीए करियर क्राफ्टना सेंटर पर विद्यार्थियों साथे वार्तालाप करी उच्च अभ्यास माटे तेमने जरूरी मार्गदर्शन आप्युं हतुं। आ प्रसंगे पत्रकार परिषदने संबोधता करियर क्राफ्टना डायरेक्टर पिंकल पटेले जणाव्युं हतुं के कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ए यूकेनी एक अग्रणी यूनिवर्सिटी छे। एमने तमने आवकारता खूब ज आनंद थाय छे। करियर क्राफ्टना साथे सामाजिक कार्यमां पण संकळायेलुं छे। कोरोना समय में माता पिता गुमावनार 100 થી વધુ विद्यार्थीओना पूरा अभ्यास की जवाबदारी उपाड़ी छे अने भविष्य में पण आवा विद्यार्थीओनी मदद माटे अमे सतत प्रयत्नशील रहीशुं। आ करियर क्राफ्ट कंसल्टंट्सना डायरेक्टर पिंकल पटेल छेल्ला 13 વર્ષથી હજારો વિદ્યાર્થીઓને તેમના શૈક્ષણિક ભાગ્યને ઘડવામાં મદદ કરે છે। દેશભરમાં 15 શાખાઓ ISA એપ્લિકેશનમાં 25,000 ઉપરાંત સફળતા સાથે CCC તમારા વિદેશ અભ્યાસના વિશ્વસનીય ભાગીદાર તરીકે ઊભું છે। આજ જો પ્રેસ કોન્ફરન્સ અમે અરેન્જ કરી હતી ઉસકો મેઇન રીઝન યે થા કે પિછલે કુછ મહિનો સે યુકે ગવર્નમેન્ટ ને જો નયે રૂલ્સ અનાઉન્સ કિયે હૈ ઉસકી વજહ સે ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સ કે દિમાગ મે કાફી સારી નેગેટિવિટી આ ગઈ હૈ, કાફી સારી ગલત ફહેમી હૈ, તો વો ગલત ફહેમી દૂર કરને કે લિયે હમ લોગો ને આજ પ્રેસ કોન્ફરન્સ અરેન્જ કિયા થા। यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिपेंडेंट वीजा बंद किए हैं, स्टूडेंट वीजा बंद नहीं किए। डिपेंडेंट वीजा बंद करने का एक रीजन ये था कि काफी सारी अलग कंट्री जैसे अफ्रीका या बहुत सारी कंट्री से जितने स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे उससे ज्यादा उनके डिपेंडेंट आ रहे थे, मतलब उनके बीवी बच्चे और वो लोग ज्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से यूके में लोकल जॉब और इकोनॉमी को काफी नुकसान हो रहा था। यूके गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपना वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बरकरार रखें और वैसे ही आगे भविष्य में बच्चों को पढ़ाते रहें। जैसे हम सब जानते हैं कि यूके ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे लोग 15-20 साल से जा रहे हैं। आज से 100 साल पहले भी लोग यूके पढ़ने के लिए जाते थे। हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार पटेल, इन सब ने भी अपना एजुकेशन यूके से किया हुआ है और यही क्वालिटी यूके गवर्नमेंट आगे भी देना चाहती है और यही बरकरार रखना चाहती है। इसी वजह से उन्होंने जो स्टूडेंट वीजा के रूट से गलत लोग जो गलत इंटेंशन के साथ कंट्री में एंटर कर रहे थे उनको रोकने के लिए कुछ स्टेप लिए हैं, बट ये आगे जाके बच्चों को और फायदा देंगे और बेनिफिट मिलेगा। आज की डेट में भी जो बच्चा यूके पढ़ने के लिए जा रहा है उसको पढ़ने के साथ साथ कुछ घंटे जॉब करने की परमिशन मिलती है जहाँ पे वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन कर पाए। पढ़ाई के बाद यूके गवर्नमेंट उनको 2 साल की परमिशन देती है ग्रेजुएट वीजा PHW, जिसमें बच्चा वहाँ रह सकता है और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकता है जिसके आगे जाके उसके प्रोफेशनल करियर में उसको बेनिफिट मिलेगा। यूके एक लौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप 1 साल में अपना मास्टर कंप्लीट कर सकते हैं। यूके के अलावा किसी भी कंट्री में आप अपना 1 साल में मास्टर कंप्लीट नहीं कर सकते। यूके की वीजा प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है। यूके की जो ट्यूशन फीस है वो बहुत अफोर्डेबल है। यूके में आप 12 लाख से लेकर 15 लाख के अंदर बल्कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का यहाँ पे वडोदरा में आने का मौका मिला और हम गुजरात के सभी स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहते हैं कि यूके एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। जो भी वहाँ पे एजुकेशन रिसीव करता है उसको जॉब के बहुत ही सुनहरे मौके मिलते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट एजुकेशन ब्रॉड एजुकेशन का ड्रीम परस्यू करना है तो ये सुनहरा मौका है, क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा रुकने का मौका मिलेगा अंडर ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट। सो आई थिंक अ मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स इज दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी इन द यूके एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो है लंदन से 1 आवर की दूरी पे है और हमें अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी का अवार्ड मिला है, जिसका मतलब है कि कोवेंट्री में हर नेशन से स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते हैं। तो आपको जो भी स्टूडेंट है उनको एक मल्टीकल्चरल एक्सपीरियंस मिलता है एंड दे बिकम अ ग्लोबल सिटीजन आफ्टर स्टडिंग इन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। सो दैट उन्होंने आफ्टर जब वो कोवेंट्री में पढ़ते हैं उसके बाद जब वो कोई भी कोर्स कोई भी जॉब अगर वो ढूंढना चाहते हैं तो जो चांसेस ऑफ गेटिंग दैट जॉब इज वेरी इजी। थैंक यू।